आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे पटना, नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। पटना में उमेश कुशवाहा ने भाजपा पर कसा तंज, धरने में तमाम जेडीयू के बड़े नेता मौजूद। जहानाबाद में निगरानी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, अचल अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। हमीरपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्थापना दिवस, दिव्यांग लोगों के बीच ट्राईसाइकिल का हुआ वितरण। लखीसराय में लक्ष्मी नारायण पूजा का हुआ समापन, शांतिपूर्वक हुआ प्रतिमा का विसर्जन। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पटना से है, जहां एक दिवसीय धरने में तमाम जेडीयू के बड़े नेता मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है और उसका फूल खिलना जरूरी है। ऐसे में बिहार के तमाम जिलों में आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से भाजपा आरक्षण पोल खोल पूरे बिहार के तमाम जिलों में किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी जमकर भाजपा पर हमला किया। देखिए 2006 में और 2007 में पंचायती राज नियम, 2006 में पंचायती राज नियम नियमावली में प्रावधान लाकर और 2007 में नगर निकाय के नियमावली में प्रावधान लाकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित अनुसूचित जाति अति पिछड़ा के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और पंचायती राज को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, और उस पर तीन तीन चुनाव हो गया और उसको किस तरह भाजपा वाले लोग ने याचिका दायर करके किस तरह रोका गया, ये देख लीजिए। ये तो काले सच उनके उजागर हो रहा है, कैसे है ये सब चीज़ आप लोग को समझने की ज़रूरत है। हम लोग उनके काले सच को उजागर करने में लगे। खबर किशनगंज से है, जहां जिले के शास्त्री मार्ग कटहल रोड स्थित अनिल अग्रवाल के घर से एक नौकरानी महिला का फांसी के फंदे से लटकता शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। खबर लखीसराय से है, जहां लक्ष्मी नारायण पूजा का समापन 12 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के साथ हो गया। बता दें, रविवार 9 अक्टूबर से दो दिनों तक चलने वाला यह पूजा इस इलाके में लगातार 16 वर्षों से होता आ रहा है और इसकी मान्यता है कि इससे इलाके के लोग में धन वैभव की कमी नहीं होती है। वहीं इस मौके पर कमेटी के लोगों में गगन पासवान, अंकित कुमार, रूपेश कुमार के साथ प्रशासन के जवान भी अपनी भूमिका निभाई। खबर लखीसराय से है, जहां चूरामन बिघा के बिट्टू पटेल ने इलाके के युवा जिन्हें फौज से जाने की ललक है उन्हें ट्रेनिंग देने का काम लगातार साल भर से कर रहे हैं। वहीं बिट्टू पटेल ने बताया कि पहले मैंने भी देश की रक्षा करने को लेकर फौज में जाने की तैयारी की थी, पर सही दिशा निर्देश और गुरु ना मिलने से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जा रहा है, जितने भी 4-5 गांव के युवा लोग हैं जो अपने जीवन में फौज में जाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को हम अपने गुरु के नाम पर, मैंने मेरे तरफ से सभी लोग को वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है, दौड़ाया जाता है और उसके साथ उन्हें व्यायाम व्यायाम करवाया जाता है। और उधर से हमको प्रखंड प्रमुख हमारे युवा भाई दिनेश यादव जी की तरफ से सौजन से कुछ रकम मिली थी, उसके सौजन से वहाँ पर व्यवस्था भी किया गया। हमारे हिंदू जी साथी भाई हैं और वहाँ बोले हमको, एक लड़का के भविष्य बनने जा रहा है, इसमें आप वहाँ व्यवस्था कुछ था, उसका कमी था जो हम पूरा किए, और जहाँ तक होगा अगर भविष्य की बात है तो भविष्य के लिए कुछ भी सहयोग हो सकता है सर।
भागलपुर स्टेशन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर शहर के विधि व्यवस्था के कई बिंदुओं पर कोई परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान एसएससी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात और एसपी शुभम आर्य के अलावा कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर इंटरनल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दर्जनों कार्यकर्ता एवं शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अगर भागलपुर में लग रहे जाम, यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक नियमों के पालन करने की बात हो या फिर वन वे की बात हो, साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। मुजफ्फरपुर के टाउन थाने में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक थाने पहुंचकर कहता है कि साहब मैंने हत्या की है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इतना सुनते ही टाउन थाने की पुलिस की सांसें फूलने लगी और आनन फानन में युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि अपने ही दोस्त रोशन की चाकू घोप कर हत्या कर दी है। वहीं टाउन थाने की पुलिस ने आनन फानन में मिठनपुरा थाने को सूचना दी। सूचना पर मिठनपुरा थाना की पुलिस युवक को अपने कब्जे में ले ली और जब पुलिस ने परिजनों से बात की तो परिजनों ने बताया कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। उसको मारे पैसा बाकी था 1200 रुपए। अच्छा। ठीक है, तो मेरे को मारने लगा 5-6 लड़का से। ठीक है, तो उसके बाद हम आए थे बाइक से, तो उसको जो है ना मारने लगे ना, तो मेरे साथ जो लड़का था ना, तो बोला ये चाकू दिया उसने, उसने बोला ले चाकू तू मार दे मार दे, तो उसी में हम मार दिए। तो बोलता है चाकू लगा मारे हैं जी। जगह पर जहाँ पर हम लोग गए वहाँ पर कहीं कुछ तरह के मैंने साक्ष्य नहीं मिला कि हाँ यहाँ पर चाकू मारा। अंदर भी घुस के देखे हैं सर, सब जगह कहीं ब्लड वगैरह गिरा हुआ नहीं है। अस्पताल परिसर और मनरेगा भवन के आसपास तकरीबन 200 पेड़ अधिकारी और आसपास के लोगों ने कुछ महीने पहले पेड़ लगाने का काम किया था, जिससे हरियाली के साथ साथ पेड़ों से मिलने वाला सारा साधन आदमी को मुहैया हो सके। लेकिन आज उन पेड़ों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है जिस पर किसी की नजर नहीं है। इसको लेकर वन पोषक बताया कि आसपास के इलाके के लोग इन लगने वाले वृक्षों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने मवेशी बकरियों आदि को छोड़कर इस पेड़ को क्षति पहुंचा रहे हैं। वृद्धि तो एक भी पेड़ मेरा मरा नहीं है, जब से लगा एक भी पेड़ नहीं मरा और पेड़ बहुत अच्छा विकास कर रहा है। लेकिन यहाँ का दो चार जो घर है ना, यहाँ का माल जाल और बकरी इतना निठा छोड़ देता है, घर जाते हैं कि बकरी गाय खोल के छोड़ देता है। आप जाके देख सकते हैं मेरे पीछे 10-20 गाछ को तोड़ दिया है और मतलब बकरी उकड़ी इतना क्षति कर दिया कि कुछ कहने का नहीं। खबर पटना से है जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि जेपी के असली सिर्फ हम ही हैं। इसको लेकर अश्विनी चौबे ने कहा, मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वह जेपी का अगुवाई नहीं हो सकता। वहीं उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। जी, तो जो भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे, जो वंशवादियों के गोद में बैठे, तो उससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है ये आप तय करो। ये बिहार में दो सीटों पर बाई इलेक्शन का चुनाव होने वाला है, दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। तो दोनों सीट पर आप लोग कंपेनिंग करेंगे? निश्चित रूप से दोनों सीट पर विजय हासिल करेंगे। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। ये विवेकहीन हो गए हैं इसलिए उनको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है, उनको केवल और केवल सत्ता का सुख चाहिए। खबर कैमूर से है जहां करमचट थाना अंतर्गत चौरसिया स्थित बजरंगबली मिनी राइस मिल के चार दीवारी के अंदर से चोरी हुई दो ट्रैक्टर के मामले का खुलासा हुआ और इस मामले में 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि दो ट्रैक्टर की चोरी की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद बिमलेश पांडे ने करमचट थाना अध्यक्ष को चोरी की जानकारी देते हुए लिखित आवेदन के माध्यम से कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया।
सितंबर 2022 को घटित हुई थी, जिसमें दो ट्रैक्टर्स को चोरी कर लिया गया था। बजरंग बली मिनी राइस मिल है, वहाँ से चोरी कर लिया गया था। 84 आडी के पास है, वहाँ से चोरी कर लिया गया था अज्ञात चोरों द्वारा। तो इसमें कांड को दर्ज करके और उसके बाद से एक टीम बनाया गया, जिस टीम में बहुत ही कम समय में 11 दिन के अंदर इसका उद्भेद। खबर कैमूर से है, जहां एक शिक्षक के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हुए क्लासरूम में सोने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते दिख रहा है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, ये पूरा मामला मोहनिया प्रखंड के छोटका सागर गाँव के प्राथमिक विद्यालय का है। हमारे पंचायत में जो मास्टर हैं सो रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, वो हमारे पंचायत के छोटका सगरा ग्राम का है महिला, जो कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मोहनिया प्रखंड में ये प्राथमिक विद्यालय छोटका सगरा के संज्ञान में मामला आया है शाहिद अंसारी का, और उस पर मैं उचित कार्रवाई और करने जा रहा हूँ। भागलपुर नवगछिया खरीक थाना क्षेत्र के नया टोला भवनपुरा निवासी कुख्यात अपराधी को एक पिस्टल और 6 जिंदा गोलियों के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं नवगछिया एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्हें यह गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या, लूट, अपहरण व रंगदारी जैसे कई संगीन मामलों का वांछित अपराधी है, जो किसी अपराधी को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ घूम रहा है। उपलब्धि भरा दिन हम कह सकते हैं। एक मौसम यादव कुख्यात अपराधी है, जिसमें हमने फरार घोषित करते हुए इनाम भी घोषित उसमें किया हुआ था। इनामी अपराधी है और कई कांड में वांछित भी था, और ये लगातार सूचना हम लोग को मिल रही थी कि वो खरीक जो रेलवे स्टेशन है उसी के आसपास के इलाके में कहीं कहीं केला खेत में कहीं कहीं वो छिप करके रहता है और कोई कोई अपराध करने का योजना भी बना रहा था। नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुया चलक गांव के पास तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृत महिला की पहचान भुया चक गांव निवासी रामधनी महतो की पत्नी काली देवी के रूप में किया गया है। बता दें, मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाम के वक्त था ना, तो गांव से उत्तर साइड में जा रही थी गांव से, और मोटरसाइकिल से जो पीछे से आया क्या नाम था इनका? काली देवी। पति का? रामधनी महतो। घर कहाँ हुआ? वालचक। कौन था ना? वासिली। आपका क्या नाम हुआ? भागलपुर पीरपैथी प्रखंड के भाकरपुर निवासी युवक ने अपनी बेटी की मृत्यु का आरोप उसके परिवार पक्ष पर लगाया। बता दें कि लड़की के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे, मांग ना पूरी हो पाने पर ससुराल वालों ने लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, और इसी के चलते लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद लड़की के भाई ने इस घटना की सूचना इसीपुर थाना को दिया, जहाँ थाना प्रभारी ने शव का पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। अभिनंदन पांडे स्वर्गीय रामगोविंद पांडे का लड़का हूँ। हम अपना लड़की का शादी सुरखुशिया सत्यनारायण पधिया के छोटा लड़का से किए थे। शादी को कितना दिन हुआ था? 2021 में किए। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ था? और लड़की के साथ वही लोग किया, दान दहेज का पहले बात था वो हम दिए, और उसके बाद 6 महीने के बाद तो लोग फरमाइश करने लगा लड़की को। और क्या फरमाइश की? टीवी मांगो अपने पिताजी से, फ्रिज मांगो, गाय मांगो। हमारे घटना कब की है? ये घटना है मतलब
सातवें आठवें पूजा की, सात आठ पूजा की बात है। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था, उसको ये लोग पैसे के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे कि हमें फ्रिज चाहिए, तुमको तुम्हारे पास में गैस चूल्हा नहीं है, ले आओ, मांगो अपने बाप से, अपने भाई को बोलो। तो वो हम लोग से कुछ बोलती नहीं थी, जो भी था अपने से करती थी। एक दो बार बोली थी अपने जब आई थी गांव पे, तो लेकिन हम लोग बोले थे कि चलो ठीक है, होगा तो देंगे, लेकिन ये लोग माने नहीं। उसको मतलब इतना मानसिक रूप से और शारीरिक प्रताड़ित किए कर करके एक दिन बहुत मार मारे। उसको मारने के बाद उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो। खबर नालंदा से है, जहां जिले में सड़क हादसे में जख्मी एक किशोर की करीब महीने भर बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि 17 सितंबर को सोहित कुमार अपने दो दोस्तों के साथ सराय दरुआरा बाइक से लौट रहा था, तभी रसलपुर मोड़ के समीप टेम्पो ने टक्कर मार दी थी। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए थे, जिसको इलाज के लिए PHC में भर्ती कराया गया। मतलब एक्सीडेंट हुआ था सर यहाँ रसलपुर में, ये तो नहीं मालूम है सर। मतलब बच्चे लोग थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे कि रिटर्न हो रहे थे, यह भी हमको मालूम नहीं है। क्या चीज़ से थे ये लोग? थे बाइक से। कितने लोग? 3 आदमी थे सर। सब तीनों के तीनों जख्मी हैं सर। तो तीनों के इलाज कहाँ चल रहा था? ये वो दो थे PPMCH में, हाँ, एक थे जीवनदीप में। खबर जहानाबाद जिले से है, जहां काको अचल अधिकारी दिनेश प्रसाद को पटना निगरानी विभाग की टीम ने जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले में सुबह उनके डेरा पर से 1,00,000 घूस की रकम लेते रंगों हाथ पकड़ा। बता दें कि काको सीओ जमीन की दाखिल खारिज के नाम पर 1,00,000 घूस की रकम ले रहे थे। इस मामले में शिकायतकर्ता ओयना गांव निवासी राहुल कुमार ने बताया कि मेरा 1 बीघा जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए वो हमसे 1,00,000 रुपए की मांग कर रहे थे। इन बातों से परेशान होकर हमने इसकी सूचना निगरानी विभाग को दी, जिसके बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 1,10,000 पर बात हुआ था, तो आज 1,00,000 रुपए हम दिए थे। जमीन कहाँ लिए थे? हाजीपुर। ओ, तो उसके म्यूटेशन कराना था। कितना दिन से आपको परेशान कर रहे थे? 4 महीना हो गया सर। क्या बोलते थे ये? बोलते थे हो जाएगा, चप्पल घिस जाएगा, LRDC में जाओगे तो। निगरानी द्वारा सत्यापन कराया गया, काम सही पाया। उसके बाद आज सवेरे हम लोग 7 बजे रखे यहाँ के बहुत क्लासेज लेते हुए 1,00,000। बालू के अवैध धंधे में नवादा नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर और उसके 2 सहयोगियों पर कार्रवाई की गई और मामले में 3 को निलंबित कर दिया गया। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह नगर के खरीदी बिगहा इलाके में एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को नगर थाना की पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। उक्त ट्रैक्टर को नगर थाना परिसर में रखा गया था और जिसे लेकर ट्रैक्टर मालिक और चालक भाग निकले। पीरपैथी एकचारी थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी चटाइयां में अवैध संबंध के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। जो मृतक छे तो की नाम होले? शंभू मंडल। कैसा कैसा कहाँ कैसा होले मर? बस आप झगड़ो झगड़ो छले? कखनी चलना है तो उसने? बिहान कर देना। और मम्मी? भाई बहन छे? 3 भाई। तो बड़ो छे? भाई कै गो छे?
वैशाली जिले का 50वां स्थापना दिवस जिला मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी असपाल मीना के द्वारा दिव्यांग लोगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। स्थापना दिवस समारोह में जिला के कवि उमेश दास कंटक के द्वारा जिला प्रशासन की उपलब्धि पर एक कविता पढ़कर सुनाया गया। लोकतंत्र पर आधारित मैं ही हूँ वैशाली का मंचन किया गया। एवं सभी कार्यालयों में और ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण स्तर पे हम लोगों ने आज सफाई एक कैंपेन चलाया है, स्वच्छता कैंपेन चलाया है, जिसमें कि ग्रामीण स्तर पे सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 50 लोगों को हम लोगों ने यहाँ चौकीदार को जो नया जो BRS सोचा है अनुकंपा के आधार पर हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है और सभी अधिकारियों को हम लोगों ने अपने कार्यों में बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल तत्परता के साथ कार्य करने के लिए इसी बैठक के दौरान जो फंक्शन है उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन। खबर नवादा से है जहां ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर KG सेक्शन एवं राजगीर तिलैया सेक्शन के कर्मचारी और यूनियन के पदाधिकारियों ने नवादा शाखा के बैनर तले रेलवे अस्पताल के परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया और उन्होंने बताया कि 16 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यह भूख हड़ताल पर है। इंडिया में पूरे इंडिया में हम लोग का जो रेलवे का सरकारी मान्यता प्राप्त फाउंडेशन है उसके तहत हम लोग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल का आज कार्यक्रम है 9 बजे से लेके 5 बजे इसके तहत हम रेलवे हॉस्पिटल में हम लोग सब लोग कर रहे हैं। हम लोग की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन को लागू करना, नई पेंशन स्कीम जो लागू कर दिया सरकार BJP की सरकार 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था, उसके बाद हम लोग लगातार संघर्षशील है और संघर्ष में है और हम लोग को साथ देने के लिए बहुत लोग बहुत संगठन के लोग हम लोग को साथ दे रहे हैं और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और रेलवे की बहुत ऐसी मांगे हैं जो प्राइवेटीकरण की ओर सरकार धीरे धीरे करके। खबर सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड में डहरिया पंचायत से है जहां पदाधिकारी के द्वारा नोटिस देने के बाद भी लोग नहीं माने, वहीं मामले में SDM प्रमोद कुमार ने बताया कि इससे पहले जिसका घर अतिक्रमण में पड़ रहा है नोटिस देकर उसे 10 दिन पहले सूचना दे दी गई थी, इसके बावजूद भी अतिक्रमण को खाली नहीं किया गया। अंत में हम लोगों को प्रशासनिक काम करना पड़ा और अतिक्रमण में जितने भी घर थे उसको हटा दिया गया। चलाने के उपरांत आज खाली कराया जा रहा है। सर कितना दिन पहले आदेश दिया गया आप लोगों को? ये करीब 6 महीना से ये बात चल रहा और इसके पश्चात आज ये जो है बात सब क्रियान्वित किया जा रहा और सबको अतिक्रमण खाली करवाया जा रहा। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।